नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से आई हूँ, मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लवर्स, ये बंदा या बंदी कोई जमीनाई हो सकता है जो आपके साथ रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स हार्मेट, वैसे तो ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, कोई नया रिश्ता है नहीं, लेकिन ये रिश्ता कहीं स्टक हो गया है, रुक गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। बंदा कंफ्यूज है कि इस रिश्ते को लेके क्या डिसीजन ले लिया जाए कि रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ता सही हो जाए। इसीलिए ये कंफ्यूज है कि रिश्ते में दोबारा से एंट्री लेना चाहिए या नहीं, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिश्ता पुराना होते हुए भी ये रिश्ता स्टक है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और कंफ्यूज भी हैं साथ ही साथ कि डिसीजन लिया जाए या नहीं लिया जाए। आप किसी जेमिनाई के साथ, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेंगे। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वैसे आप तो दुखी हो, परेशान हो, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ, एरीज के साथ डील कर सकते हो। आप खुद भी दुखी हो, आप खुद भी परेशान हो, आपको जस्टिस चाहिए। आप किसी ना नए रिश्ते में जाना चाहते हो ना पुराने रिश्ते में जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपको जस्टिस चाहिए। आप अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हो, करोगे इन 72 घंटे में, और अपने एनर्जी में रहोगे, अपने पोजीशन में रहोगे, अपने आप में आप रहने की कोशिश करोगे। ना आप किसी की सुनोगे, ना किसी के बारे में सोचोगे, ना किसी का समझाना आपको अच्छा लगेगा। आप जो भी करोगे अपने अपनी मर्जी से करोगे, और साथ ही साथ अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी पोजीशन का भी ख्याल आप रखोगे, उसके साथ ही आप आगे बढ़ोगे। जो आपको जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हो, ऐसा आपकी करंट फीलिंग्स रहेगी। हो सकता है आपके पास जो ऑप्शन है, हो सकता है जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हो, दुखी हो, परेशान हो, आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जितना आपको मिलना चाहिए था उतना आपको मिला नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या एक्शन रह सकता है इन 72 घंटे में। ये बंदा कभी सोचेगा, बंदा पहले भी कंफ्यूज था, आपके साथ इनका प्यार का अंजाम उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बंदा हो सकता है आपको सरप्राइज देने चले आए, आपसे बात करना शुरू कर दे, ऐसा बंदा सोचेगा, लेकिन ये कंफ्यूज रहेगा। कभी कभी उनको लगेगा कि चीज़ों को अपने में रखना चाहिए, बातों को अपने तरीके से करना चाहिए, रिश्ते को कंट्रोल करना आप चाहते हो, आप कभी भी उनके बारे में नहीं समझते हो। ये बंदा इन एंड आउट वाला बंदा है, कोई हो सकता है आप हमेशा कमिटमेंट के बारे में उनसे पूछते हो, तो ये आपसे कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पहले से कोई रिश्ता है, चाहे कितना भी पुराना रिश्ता हो आप दोनों का, इनके पास और भी रिश्ते हैं,
इसकी वजह से बंदा कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, खास करके 72 घंटे में तो कुछ नहीं होने वाला। ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके साथ, ज़रूरत के मुताबिक ये रिश्ते को आपके साथ चलाना चाहते हैं। अपने मन में सारी बातों को दबा के रखने वाला बंदा या बंदी है। इनको पता है कि आप पैसों की अहमियत बहुत अच्छे से जानते हो, पैसे संभालना आप जानते हो, पैसे कमाना संभालना सेविंग्स करना आप जानते हो। कुछ हद तक इस वजह से ही वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बंदा आपको कमिटमेंट देगा, ये कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी है नहीं, ये कमिटमेंट देने से डरने वाला बंदा या बंदी है। कितना भी प्यार हो, कितना भी अपनापन हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, ये डिसीजन उसी बात का लेगा जिस बात को ये खुद समझेगा। इसीलिए बंदा इन 72 घंटे में आपको याद करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सही डिसीजन लेने में उनको ये नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर आपसे मिलने आता है तो आपको पता है ये ज़रूरत से आपसे मिलता है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या करना चाह कहना चाहता है। डेविल के कार्ड, ये तो आना ही आना था। ये बहुत किसी और की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है, हैवी थर्ड पार्टी है यहाँ पर। और ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ किसी वजह से जुड़ा हुआ है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पहले हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन है, आप एडिक्शन की वजह से इस रिश्ते से जुड़े हुए हो, क्योंकि आपको भी पता है इस रिश्ते में ना कमिटमेंट है, ना प्यार है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में जुड़े हुए हो। कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन अट्रैक्शन बन गया। आपको अपनी एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, रिश्ते की क्लैरिटी को आपको पता करना पड़ेगा, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो आप पहले अगर हो सकता है कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था आपने, इसकी वजह से आप रिश्ते में एक क्या कहें, ज़रूरत का सामान बन के रह गए हो। कितना भी आप चीखो चिल्लाओ कि आपको जस्टिस चाहिए ये वो आपको मिलेगा नहीं। इस 72 घंटे में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसका भी एनर्जी है। इसीलिए आपको खुद को इस एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी अगर नहीं है तो क्लैरिटी भी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप क्लैरिटी जानते हुए भी रिश्ते में अटके हुए हो, बंधे हुए हो, तो आप खुद ही जानते हो कि इसे क्या कहते हैं। तो आपको इस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।